अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल की फीचर है फ्लैश बिल, उसका यूजेज शेयर करूंगा। जैसे ये मेरे पास ईमेल एड्रेसेस हैं, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो मैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, अलग से सेपरेट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। तो वो कैसे करेंगे, ये देख ले, मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें मोहम्मद है फर्स्ट नेम, तो पहले जस्ट आपने एक एंट्री लिख लेनी है मोहम्मद, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। और होम टैब पे आपके पास है ये फिल की कमांड, फिल में आपने ये फ्लैश फिल को सिलेक्ट करना है। ये दोबारा से मैं दिखाता हूँ, फिल, और फिल में से आपके पास है ये फ्लैश फिल, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम फिल हो जाएंगे। देखिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया, और ये देख लें, ये फर्स्ट नेम फिल हो गए। इसी तरह लास्ट नेम को मैं फिल करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने फर्स्ट जस्ट लिखा हमजा। अच्छा, इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल ई, जब आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्लैश फिल कर देगा। मैंने ये कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये देखिए लास्ट नेम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक्सट्रैक्ट डेटा की फ्रॉम ए टेक्स्ट। ये देखिए ये मेरे पास एड्रेसेस हैं, इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ सिटी नेम्स को, तो मैंने फर्स्ट सिटी का नाम लिखा इस्लामाबाद, और उसके बाद मैं जैसे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएंगे सिटी नेम्स। अच्छा, इसी तरह मैं एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे मल्टीपल नेम को। ये मेरे पास जैसे फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इन्हें मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो फ्लैश फिल के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं। मैंने लिखा मोहम्मद बिन, ये लास्ट नेम उसका लिख लिया यासिर, और एंटर प्रेस कर दिया। और जैसे ही अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेम कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है, और इसे आप यूज कर सकते हैं क्विक कंप्लीशन के लिए या डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।